मोदी जी, मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूँ, अगले 5 सालों में देश की सारी नदियों को क्लीन करने का चैलेंज। हमारे देश को 7,500 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन मिली, हमें 400 नदियों का वरदान तो है, लेकिन ये नदियाँ स्लोली मर रही हैं। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ नदियों को माँ कहते हैं, लेकिन आज हमारी माँ कुछ ऐसी दिखती है। हमारी नदियाँ, हमारे समंदर आज ऐसे हैं। क्रेडिट कार्ड में जितना प्लास्टिक है, उतना ही प्लास्टिक आप हर हफ्ते खाते हैं, माइक्रो प्लास्टिक्स की वजह से, यानी प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े। जब भी हम चॉकलेट का रैपर, बिस्किट का पैकेट या फिर कोई भी कचरा बिना सोचे समझे हमारे नदियों में फेंक देते हैं, तो ये प्लास्टिक पानी में मिक्स होता है। इसके छोटे छोटे टुकड़े यानी माइक्रो प्लास्टिक्स नदियों से, नालों से होकर समंदर में जा मिलते हैं, और यही नदियों का पानी हम पीते हैं। इसी समंदर की मछलियाँ हम बड़े मजे से खाते हैं और नमक को खाने में मिलाते हैं, और इसी के साथ साथ खुद को स्लो पॉइजनिंग से मारते हैं। ये वीडियो सिर्फ प्रॉब्लम्स पर बात करने के लिए नहीं है दोस्तों, क्योंकि दुनिया में एक ऐसी बोट है जो ये सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकती है, क्योंकि ये बोट प्लास्टिक खाती है। यस, आपने सही सुना, एक ऐसी बोट है जो प्लास्टिक खाती है, और हमें इसी मिशन में भारत को जोड़ना है। अगर आप पॉलिटिक्स के परे जाकर देश के असली मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, इस मैसेज को और लोगों तक पहुंचाने में हमारी बहुत हेल्प होती है।